सिमी के आतंकियों ने की पुलिस पर फायरिंग। खुद को घिरा देख सिमी के आतंकियों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए सिमी के आतंकी। आतंकियों ने गोली चलाई तो पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई। सर्चिंग ऑपरेशन को फर्जी ऑपरेशन की साजिश। बंद कर दें सभी लोग, चारों ओर से घिरे हुए हैं, बीच में पड़े हुए हैं, सबको ऊपर पहुंचने की जरूरत नहीं है, पहुंच नहीं जाएंगे चारों ओर। अभी कुछ और सर्चिंग ऑपरेशन कराना पड़ा तो ओवर। आतंकी जब गोली चलाए तो पुलिस क्या फूल बरसाए। जवान साहब ऊपर से फायर रोके हुए जो होंगे, हाँ सर ऊपर से रुकवा देते हैं, ऊपर से रुकवा देते हैं। अभी चलो पांच तो मर गए, पांच मर गए। भोपाल में सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर का एक नया ऑडियो सामने आया है। ऑडियो क्लिप जिस जगह एनकाउंटर हुआ वहां पर मौके पर मौजूद पुलिस और कंट्रोल रूम में मौजूद पुलिस के बीच की बातचीत इस ऑडियो में सुनाई दे रही है। ऑडियो से खुलासा हो रहा है कि जब पुलिस ने आतंकियों को घेर लिया तो आतंकियों ने पुलिस पर गोली चलाई और पुलिस की ओर से क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें सभी आतंकी मारे गए। ऑडियो में एक जगह कंट्रोल रूम की ओर से सर्चिंग ऑपरेशन की बात कही जा रही है जिसे कुछ लोगों ने बगैर सुने फर्जी ऑपरेशन बताया। इसी को हम आपको बताना चाहते हैं और पूरा ऑडियो हम आपको सुनाना चाहते हैं जो सर्चिंग ऑपरेशन और फर्जी ऑपरेशन का फर्क सामने लाएगा। भोपाल में सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर पर हो रही सियासत के बीच एक ऑडियो सामने आया है जिसमें यह साफ सुना जा सकता है कि जेल से भागे आतंकियों के पास हथियार थे और उन्होंने पुलिस पर पहले फायरिंग की थी। तत्काल बल रवाना करें, मैं एकदम बड़ी गली आता हूँ, चारों तरफ से घेराबंदी तक चाहिए, इसमें बचना नहीं चाहिए कोई। ओवर फायरिंग हो गई, आप साउथ पर आना, कहीं कॉलर करे तो काम करें। बस बहुत ज्यादा लोगों की हाथ में है सर, उन्होंने फायरिंग की है, छोड़ना नहीं अपने को। ओवर गोली कर रहे हैं, इधर से अपनी गोली है सर, उधर से दूसरी पार्टी आ रही है सर, फायर कर रहे हैं, इसका जवाब दिया जाए। सिमी के आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे, आतंकियों की गोली का सामना कर रहे जवान सुरक्षित रहे। कंट्रोल रूम से इसके लिए लगातार संदेश दिया जा रहा था। भोपाल पुलिस ग्रुप में चलो शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहुंच रहे हैं। जवान साहब ऊपर आया, जवान साहब तो मर गए ना, मर गए तीन बजे हमारे पार्टी सर, दो तीन एम्बुलेंस भेजा दे, उतरा भिजवा दे। और रवाना कर दिया आपने, पहले रवाना कर दिए, दो तीन एम्बुलेंस रवाना कर दी। जवान साहब ऊपर से फायर रोके हुए जो होंगे, ठीक है नहीं तो हाँ सर ऊपर से रुकवा देते हैं, ऊपर से रुकवा देते हैं।
अभी चलो पांच तो मर गए, पांच मर गए। कुछ देर बाद दोनों ओर से फायरिंग होने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि आठों आतंकी मारे गए। नहीं, आठों थे, आठों थे। एक को जिंदा रखना चाहिए, जरूरी है। मालूम है राजस्थान निकलने वाला तो उधर राजगढ़ हो तो निकल जाते हो। तो सर बताइए, आठों मार गए, डीएसपी क्राइम साहब ने बताया। सर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनकाउंटर खत्म होने के बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। पुलिस को इस बात का डर था कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बंद कर दें सभी लोग, चारों ओर से घिरे हुए हैं, बीच में पड़े हुए हैं। सबको ऊपर पहुंचने की जरूरत नहीं है, चारों ओर कुछ और सर्चिंग ऑपरेशन कराना पड़ा तो ओवर। चारों तरफ से घेराबंदी करके रखेंगे, पहले एक बार वेरिफिकेशन हो जाए पूरा, दूसरी वेरिफिकेशन की जरूरत रहेगा। ओवर। सभी अपने अपने स्पॉट पर बने रहेंगे, पुलिस आएगा। घेराबंदी के संबंधी वेरिफिकेशन अभी बाकी है। फायरिंग बंद कर दो, फायर अधिकारी साहब, ये सभी फायरिंग बंद कर देंगे, ये सभी फायरिंग बंद कर देंगे अभी। इस पूरे ऑडियो से एक बात साफ है कि जेल से आतंकी जैसे भी भागे हों, लेकिन जेल से निकलने के बाद उनके पास बंदूक आ गई थी और वो बंदूक के बल भागना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फायरिंग शुरू की और फिर पुलिस की फायरिंग में आठ के आठ आतंकी मारे गए। प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल।